अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से जल्दी से मैं अपने कोड पे चला जाता हूँ। CMD के थ्रू मैंने अपना VS कोड खोल लिया। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा प्रोमिसेस। जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस की ज़रूरत क्या होती है और प्रोमिसेस को हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, एक index.html की। index.html मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होगी, तो उसके लिए मैं index.html बना लेता हूँ। और दूसरी मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ पे app.js, क्योंकि मुझे इस फाइल को इंक्लूड करना हो अपनी index.html के अंदर, और मुझे मैं इसके थ्रू क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट को रन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा के src लगा के और यहाँ पे डॉट स्लैश लगा के app.js को मैंने इंक्लूड कर लिया। और उसके साथ साथ मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा डेफर के नाम से। डेफर का एट्रीब्यूट क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करेगा, HTML लोड होगी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करेगा। अगर आप डेफर नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो जाएगी अगर आप हेड के सेक्शन में डालेंगे, और HTML आपकी बाद में लोड होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, अगर आप हेड के सेक्शन में जावास्क्रिप्ट को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप डेफर का एट्रीब्यूट लगाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, आप बॉडी के एंड टैग से ऊपर स्क्रिप्ट पर टैग लगा देंगे। ठीक है, खैर ये तो एक सिंपल सी बात थी। अब मैं आपको प्रोमिसेस में लेके चलता हूँ, जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस को इतना ज्यादा क्यों हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो प्रोमिसेस की बात कर लेते हैं जरा। प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिसेस हम जब भी हम API से डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं और हम अपने डेटा को डील कर रहे होते हैं API से, मतलब कि API क्या होती है, API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहलाता है। मतलब कि अगर हम अपने डेटा को गेट कर रहे हैं API के थ्रू और उसको हम फेच कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रोमिसेस की जरूरत पड़ती है। मतलब कि प्रोमिसेस से पहले बात होती थी कॉल बैक फंक्शन की, जैसे ये कॉल बैक फंक्शन यूज हुआ करते थे, तो कॉल बैक फंक्शन में फिर प्रॉब्लम ये आने लगी थी कि कॉल बैक की हायरार्की बहुत ज्यादा हो जाती थी। मतलब कॉल बैक फंक्शन बहुत ज्यादा ये समझ लें कि बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते थे, तो उसको रिप्लेस किया प्रोमिसेस ने। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल प्रोमिसेस की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ या फिर एक फंक्शन बना लेते हैं हम, और उस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया प्रॉम, ठीक है। अच्छा, प्रॉम का मैंने नाम दे दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं प्रॉमिसेस का बता देता हूँ, प्रॉमिसेस क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि हम 2 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप 2 दिन बाद उससे आपने मुलाकात कर ली। तो प्रॉमिसेस की दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है रिजॉल्व और एक होती है रिजेक्ट। अच्छा, रिजॉल्व किस लिए होती है, रिजॉल्व आपके इसलिए होती है कि जब आप मुलाकात कर लेंगे तो फिर वो स्टेट कौन सी कहलाएगी, वो स्टेट कहलाएगी रिजॉल्व। मतलब कि आपका प्रॉमिस क्या हो गया, आपका प्रॉमिस बिल्कुल फुलफिल हो चुका है, आपके प्रॉमिस की जो स्टेट है वो फुलफिल हो चुकी है, और आपकी स्टेट कौन सी कहलाएगी, रिजॉल्व कहलाएगी। फिर जो रिजॉल्व के अंदर आप अपना जो भी कोड लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप का कोई काम, कोई दूसरा काम आ जाता है और आप अपने दोस्त से नहीं मिल सकते, मिल पाते, तो आपकी वो कंडीशन, वो स्टेट क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रिजेक्ट। मतलब कि आपकी कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी रिजेक्ट के अंदर कोड होगा वो चल जाएगा। और इसके अलावा एक होती है आपकी पेंडिंग। पेंडिंग क्या होती है, जब हम API से डेटा को फेच कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो हमारे पास जो टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कहलाती है हमारे पास पेंडिंग, ठीक है, वो स्टेट कहलाती है पेंडिंग। तो अभी मैं आपको तीनों एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट की। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया और फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक प्रॉम के नाम से फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ एक न्यू प्रॉमिस। मतलब कि रिटर्न क्या करेगा, मुझे न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अच्छा, न्यू प्रॉमिस क्यों लिख रहा हूँ, न्यू प्रॉमिस का मतलब है कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। मैं आपको यहाँ पे होवर करके दिखाता हूँ तो ये आपको बताएगा कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। देखिए, प्रॉमिस क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है कि ये खुद अपने आप को कॉल कर लेता है, ठीक है। इसको हम रिटर्न करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अच्छा, अब उसके बाद मैं प्रॉमिस के अंदर जैसे कि एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, जो भी मुझे फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर करना है। और उसके बाद यहाँ पे दो इसकी स्टेट्स लगानी है, एक रिजॉल्व लगानी है और दूसरी क्या लगानी है, रिजेक्ट लगानी है, ठीक है। ये मैंने दो स्टेट्स इसकी बना ली। अब उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं सारा काम करूंगा। जैसे कि मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ कि अगर मेरा प्रॉमिस क्या हो जाए, मेरा प्रॉमिस हो जाए फुलफिल, तो फुलफिल मतलब मेरा प्रॉमिस अगर ट्रू हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे इस प्रॉमिस को कॉल करवाते हैं और कॉल करवाने के बाद यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं ट्रू, ठीक है। मैंने इसको कह दिया कि अगर मेरा प्रॉमिस ट्रू हो जाता है
फुलफिल हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉमिस को क्या करूंगा, ये रिजॉल्व स्टेट में चला जाएगा। तो ट्रू कहाँ पे पास होगा, ट्रू पास होगा कंप्लीट के वेरिएबल के अंदर, कंप्लीट के पैरामीटर के अंदर, और ये कंप्लीट मैं कहाँ पे रिपीट कर लूंगा, यहाँ रिपीट कर लूंगा। ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं, कुछ भी पैरामीटर का नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया कंप्लीट। जैसे कंप्लीट नहीं, मैं इसको और ज्यादा इजी कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ स्टेट। ठीक है, स्टेट हो गई कंप्लीट, रिजॉल्व या रिजेक्ट। ठीक है, स्टेट रिजॉल्व होगी रिजेक्ट होगी, मतलब कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो उसमें रिजॉल्व या रिजेक्ट चली जाएगी उस पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाके लिखूंगा अगर प्रॉमिस मेरा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और अगर ये रिजॉल्व कंडीशन में आएगा तो यहाँ पे क्या चल जाएगा आपका, यहाँ पे चल जाएगा आपका रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर जो भी आपका कोड होगा वो चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉमिस सक्सेसफुल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं आगे चलूंगा और यहाँ पे एल्स लिखूंगा, एल्स के अंदर मैं क्या डालूंगा, अगर मेरा प्रॉमिस फॉल्स हो जाता है और कोई मसला हो जाता है तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चला दूंगा रिजेक्ट, और रिजेक्ट के अंदर जो भी कोड होगा वो चल जाएगा, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं जब इसको कॉल करवाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, प्रॉमिस किस तरीके से हमें शो होता है। तो जब भी कोई फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करता है तो हम उस फंक्शन को कहाँ पे सेव करवा देते हैं, हम उसको सेव करवा देते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न प्रॉमिस के नाम से, और इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दूंगा। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मुझे रिटर्न प्रॉमिस का जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। इसको जल्दी से हम रन कर लेते हैं और रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। लाइव सर्वर पे इसको मैंने रन कर लिया, और उसके बाद मैं कंसोल में जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोल में जाते हैं इंस्पेक्ट करके, और हमें रिजल्ट में क्या मिला, यहाँ पे रिजल्ट में हमें मिला एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस की जो हमारे पास कंडीशन है स्टेट है वो क्या है, फुलफिल है। फुलफिल मतलब जो भी रिजॉल्व के अंदर था, अगर ये फुलफिल होगा तो रिजॉल्व के अंदर का जो भी कोड होगा वो चल जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास प्रॉमिस जब रिटर्न हो रहा है तो उस प्रॉमिस को हम एग्जीक्यूट किस तरीके से करवाना, उसकी वैल्यू को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम ये सारे कोड को कर देंगे कॉमेंट, और उसके बाद में प्रॉमिस जो रिटर्न हो रहा है, मतलब कि मैं अपने प्रॉमिस के जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर लूंगा, और अगर मेरे पास वैल्यू होती है ट्रू तो ट्रू के अगेंस्ट क्या चल जाएगा देन। अब हमारी बात होगी रिजॉल्व की, अगर रिजॉल्व होगा तो क्या चलेगा देन चलेगा, और अगर रिजेक्ट होगा तो क्या चलेगा कैच चलेगा। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ देन की। तो देन के अंदर क्या होगा, देन के अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करूंगा। अच्छा, मैं सिंपल फंक्शन भी पास कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चले मैं आपको पहले सिंपल फंक्शन पास करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल, और उसके बाद ये मैंने फंक्शन बनाया, और देन के अंदर मैंने इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रखी अपनी, जैसे कि मैंने इसको रख दिया रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट को मैंने कंसोल में प्रिंट करवा दिया, कंसोल। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर प्रिंट करवाया रिजल्ट को। अब जो भी मेरे पास फुलफिल की कंडीशन होगी वो कहाँ चली जाएगी, रिजल्ट के अंदर चली जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये फुलफिल नहीं होता, ये ट्रू हो जाता, ये फॉल्स हो जाता है तो किसके अंदर का फंक्शन चला दो, तो आप चला दो कैच का फंक्शन, और कैच के अंदर जो भी मैं वैल्यू रखूंगा, जो भी पैरामीटर पास करूंगा उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं कंसोल में उसको प्रिंट करवा दूंगा। इसके अंदर मैं किसको प्रिंट करवा दूंगा, एरर को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं जरा क्या प्रिंट होता है हमारे पास। हमारे पास प्रिंट हो रहा है सक्सेसफुल, मतलब कि अभी मेरे पास जो वैल्यू जा रही है वो ट्रू है, तो इस वजह से सक्सेसफुल हो रहा है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो फॉल्स करके क्या जाएगा मेरे पास आ जाएगा रिजेक्टेड, मतलब प्रॉमिस मेरा क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक फंक्शन बनाया, ये वाला ES5 वाला। अगर मैं ES6 वाले एरो फंक्शंस को यूज करता हूँ तो वो किस तरीके से होंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको हटा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक एरो। ये मैंने एरो लगाया, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं एरो फंक्शन में क्या कर सकता हूँ, मैं इस जो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स है उनको भी मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, और इसके अलावा मैं यहाँ से भी राउंड ब्रैकेट्स को मिनिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एरो फंक्शन इस तरीके से होते हैं। मैं कैच के अंदर भी यही कर लेता हूँ, कैच के अंदर जाके यहाँ पे मैंने फंक्शन का कीवर्ड हटाया, और उसके बाद मैंने एरो बना लिया, और एरो बनाने के बाद मैंने इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स को भी हटा दिया, क्योंकि मेरे पास सिंगल स्टेटमेंट है। यहाँ से भी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम एरो फंक्शन में से अपने कर्ली ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन होगी तो ये एरो फंक्शन के जो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा प्रॉमिस जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप नेक्स्ट क्लास में हम एसिंक अवेट पढ़ेंगे, और उसके बाद फेच का मेथड पढ़ के एपीआई से डेटा को फेच करेंगे। तो जब तक मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।